अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। दावत रमज़ान हो रहा है, हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है थैंक यू सो मच विच इज़ द मैग्नेट्स इंफ्रा प्रेजेंट्स दावत रमज़ान। दावत रमज़ान इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड एग्जिबिशन जो रमज़ान के लास्ट 15 दिन में होने वाला है एट विंटेज पैलेस। तो प्लीज़ आइए अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ बिकॉज वी हैव समथिंग फॉर एवरीवन। वही जैसे कि हम लोग दावत रमज़ान मैग्नेट्स प्रेजेंट्स दावत रमज़ान जो कर रहे हैं विंटेज पैलेस पे, लास्ट 15 दिन जो रमज़ान के रहेंगे उसमें यहाँ पे विंटेज पैलेस में हम लोग करने वाले हैं। तो जिसमें खाना रहेगा, शॉपिंग रहेगा और किड्स एरिया रहेगा जहाँ पे किड्स को एंटरटेनमेंट रहेगा। सब सारे लोग जितने भी लोग आएंगे कि एक मिनी एग्जीबिशन रहेगा जहाँ पे सब एंटरटेन होंगे। तो आइए सब लोग आइए आप और देखिए, लाइक यू नो अलग ही कॉन्सेप्ट है, आप इंशाल्लाह आप सब इन्जॉय करेंगे और हैप्पी रमज़ान सबको। आप रोज़ आइए, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अबरार बाखरी है, मैं यहाँ पे विंटेज पैलेस पे मैनेजिंग पार्टनर हूँ। हम लोग पहली बार इस रमज़ान में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। यहाँ पे हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं दावत रमज़ान करके। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिसेज अनम मिर्ज़ा एंड मिस्टर असदुद्दीन। ये लोग हम लोग के पास आए कि भाई हमारे को ये इवेंट करना है रमज़ान के पास, तो हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। हम बहुत एक्साइटेड है ये इवेंट के लिए। ये इवेंट में आपको पूरे फैशन के स्टॉल्स रहेंगे, खाने के आइटम्स रहेंगे, बच्चों के खेलने के एरिया रहेगा, पूरे ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स हर चीज़ रहेंगी। आप बेसिकली आपको रमज़ान में जो भी चीज़ों का आपको ज़रूरत रहती वो रहेंगी। आप लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं, आके आप इन्जॉय कर सकते हैं खा पी के। ये है इस पर यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारा कोई अश्योरेंस है कि भाई ये बार जो भी प्राइसिंग है वो अफोर्डेबल रहेंगी, कुछ ज़्यादा हाई एंड एक्सक्लूसिव प्राइसिंग नहीं रहेंगी। कोविड जो 2 साल हुआ रमज़ान में, पिछले दो साल से कोविड था, वो इस दिमाग में रखते हुए भी ये बोले कि भाई प्राइसिंग हिसाब किताब की रहेंगी, कुछ ऐसा कोई हाई एंड या एक्सक्लूसिव प्राइसिंग नहीं रहेंगी। स्टॉल्स सबके लिए ओपन है, आप लोग आइए फैमिली के साथ, आके आप लोग इन्जॉय करिए। ये इवेंट 19th of April से 2nd of May तक है। ये टाइमिंग रहेंगी इसकी इफ्तार से सहरी तक, तो आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। स्टॉल्स अवेलेबल है मेरे को जितना मालूम है, वो आपको मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टॉल लगाना चाह रहे तो। थैंक यू। आप लोग सब आए और हर टाइम आते हैं हम लोग, आप लोग सबको मालूम लेबल बाज़ार इतने ईयर्स से कर रहे हैं। एंड अब हम लोग आए बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है दावत रमज़ान। एंड नन ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता विदाउट हमारे मेन जो स्पॉन्सर्स है विच इज़ द मैग्नेट्स इंफ्रा। उन लोग के बगैर दिस वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल एट ऑल। सो यू नो अब दावत रमज़ान सिर्फ दावत रमज़ान नहीं रहा, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड मैग्नेट्स इंफ्रा प्रेजेंट्स दावत रमज़ान। इट्स हैपनिंग एट द विंटेज पैलेस, इट्स अ ब्यूटिफुल वेन्यू। हम लोग लिटरली ये वेन्यू के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे एंड वी आर सो ग्लैड दे केम ऑन बोर्ड एज द वेन्यू पार्टनर्स। वेन्यू ब्यूटिफुल है, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और इंशाल्लाह व्हेन द इवेंट स्टार्ट्स इट विल लुक इवन मोर ब्यूटिफुल। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट आप लोग से जो मिला। एंड या तो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रमज़ान के लास्ट 14 दिन में एग्जिबिशन होने वाला है और हर चीज़ रहेंगी, खाना रहेगा, यू नो हमारे पास राइट नाउ शहरान पिस्ता हाउस जैसे ब्रांड्स है एट द मोमेंट खाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यू नो शॉपिंग के लिए चीज़ें हैं, एंड शॉपिंग नॉट जस्ट फॉर विमेन बट फॉर किड्स, फॉर मेंस वेयर ऑल्सो वी हैव यू नो ड्राई फ्रूट्स, खाने के आइटम्स, लिटरली एवरीथिंग। तो इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन एक फैमिली के लिए टू कम इन रमज़ान। वी आर ट्राइंग अ बेस्ट टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल फॉर एवरीबडी, और आप लोग सबका भी सपोर्ट चाहिए ताकि ये सबको यू नो रीच आउट हो सके कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हैदराबाद में फर्स्ट टाइम हो रहा। सो या आई थिंक ओवर टू असद, असद विल से अ फ्यू वर्ड्स, ही हैज़ टू, उन्हें बाय डिफॉल्ट हमारे को सपोर्ट करना पड़ता, मेरे को सपोर्ट करना पड़ता, तो ऑफकोर्स ही विल बी सपोर्टिंग मैग्नेट्स इंफ्रा प्रेजेंस दावत रमज़ान एज वेल।
सारे मीडिया के दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए विंटेज पैलेस पे। तो जैसा आप आधे पूरे चीज़ें अनम तो बोल दिए थे, मैं छोटा बहुत कुछ बोलना चाह रहा था बट वो भी कवर कर लिए। बट जैसा बताए थे कि मैग्नेट प्रेजेंट दावत रमज़ान ये जो प्लान था, ये अनम का प्लान था और वैसे भी उन्होंने पहले से ही एग्जीबिशंस करते हैं सक्सेसफुली, लेबल बाज़ार इतने सीजन्स करे हुए थे, तो उनको यही प्लान आया है कि ये टाइम कुछ रमज़ान में कुछ करेंगे। क्योंकि दो साल से कोविड के वजह से क्या हुआ कि रमज़ान जिस तरीके से हम लोग मनाते वैसा मना नहीं सके लोग, क्योंकि लॉकडाउन में थे, लोग घर पे थे, बराबर शॉपिंग नहीं कर सके, लोग उनसे मिल नहीं सके। तो इंशाल्लाह ताला ये टाइम ऐसा हुआ कि लाइक अब जैसा कोविड उतना है नहीं जितना पहले जैसा था और रिस्ट्रिक्शन भी थोड़े कम हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि लेकिन शाम में जब दावत रमज़ान या जब शाम में जब इफ्तार से लेके जो सहरी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट करना चाह रहे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक यू नो लोग आ सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक बच्चों के लिए एक प्ले एरिया बनाए हम, यू नो राइट फ्रॉम यंग लोगों से लेके बुज़ुर्ग लोगों के लिए हर किसी के लिए एक एंटरटेनमेंट होता है। लास्ट 15 डेज़ हम लोग इसलिए करें क्योंकि ये पहले 15 दिन में क्या है कि लाइक यू नो रमज़ान का दिन में क्या है लोग एडजस्ट होते हैं, फिर 15 दिन के बाद से फिर जब ईद करीब आती तो शॉपिंग करना चाहते हैं लोग, कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में लाइक यू नो लास्ट 15 डेज़ रखे तो इसमें क्या है कि लाइक सारे लोग आएंगे यहाँ पे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक अच्छा खुशी का माहौल होता है। तो इसी सिलसिले में वही अनम डिसाइड कर रहे थे, हम डिसाइड करके इंशाल्लाह ये स्टार्ट करें यहाँ पे विंटेज पैलेस का करने का। और अगेन नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट हमारी जो मेन स्पॉन्सर है मैग्नेट्स इंफ्रा एंड ऑफकोर्स विंटेज पैलेस। हम लोग प्लानिंग तो सौ चीज़ा कर सकते थे बट विदाउट दीज टू सपोर्ट कुछ भी करना बहुत मुश्किल था, सो थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल मेंशन हमारे फहीम भाई, हम लोग को बहुत हेल्प करे डे वन से, सो अ स्पेशल शाउट आउट टू हिम एज वेल। जी ऑफ कोर्स नमाज का इंतज़ाम है, लेडीज़ सेक्शन अलग है नमाज के लिए, मेन सेक्शन अलग है, और नमाज ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, और प्राइस पॉइंट्स ऑफ कोर्स बहुत फ्रेंडली है। यू नो जैसे हम लोग का द रीज़न हम लोग इसको दावत रमज़ान बोल रहे हैं और कुछ नहीं ये नाम से जा रहे हैं बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है। प्राइस पॉइंट्स वगैरह भी बहुत फ्रेंडली है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड या बहुत बहुत अफोर्डेबल एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। हाँ बहुत स्टॉल्स है, बहुत है, कश्मीरी स्टॉल्स भी है हमारे पास, थोड़े जो अपने नुमाइश एग्जीबिशन में रहते हैं वहाँ से भी स्टॉल्स है, कश्मीरी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, पाकिस्तानी सूट्स, लॉन सूट्स, विमेंस वेयर, मेंस